नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर डिजिटल मीडिया की इस खास पेशकश में। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पर सुझाए गए आईपीओ में निवेश के जरिए निवेशकों को भारी मुनाफा हो रहा है। इस हफ्ते एसएमई आईपीओएस की भरमार लगी है और 15 जितने आईपीओ इसी हफ्ते बाजार में आ रहे हैं। ऐसी में कौन से इश्यू में पैसा लगाए और किससे दूर रहे, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारी टीम के बारीक विश्लेषण के साथ इस हफ्ते एक खास कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह कंपनी अहमदाबाद स्थित युवा उद्यमी शैवल गांधी द्वारा प्रचारित है, जो पुणे महाराष्ट्र में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखती है और अनुकूलित उत्पादों, बच्चों के फर्नीचर, बिस्तर, खिलौने आदि में महारत रखती है। पेस ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड ने अगस्त 2015 में भारत में बच्चों, युवा उपभोक्ताओं और खेल के प्रति उत्साही लोगों को अंतर्राष्ट्रीय खेल ब्रांड से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लबों के मर्केंडाइज और परिधान तथा खेल के सामान तक पहुंच प्रदान करने वाले व्यवसाय के रूप में शुरू किया था। यह ब्रांडेड अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयात और वितरण के साथ शुरू हुआ और विभिन्न ब्रांडेड मर्केंडाइज और एक्सेसरीज तक विस्तारित हुआ। बाद में बच्चों के मनोरंजन उद्योग में कुछ सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े ब्रांड्स के लिए विनिर्माण और वितरण लाइसेंस भी प्राप्त किए। बाद में कंपनी ने बच्चों के परिधानों के बड़े B2C बाजार को पूरा करने के लिए अपना खुद का ई कॉमर्स पोर्टल cotancandy.com स्थापित किया है। कंपनी ने बच्चों के खेल, बच्चों के फैशन, बच्चों के फर्नीचर और होम टेक्सटाइल में अपनी उत्पाद श्रेणियों का विस्तार किया है। कंपनी के पास वर्तमान में अपने पोर्टफोलियो में ब्रांड्स और उत्पादों के अच्छे संग्रह के लिए विनिर्माण और वितरण के अधिकार हैं। इसने अपने ब्रांड विग्लेविंक और जिंजरब्रेड के तहत घरेलू वस्त्रों और उपहार देने वाले उत्पादों का एक अद्भुत संग्रह भी विकसित किया है। कंपनी 100 से अधिक वितरकों, 1500 बिक्री बिंदुओं और लगभग 10 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के माध्यम से ऑफलाइन बिक्री करती है और साथ ही अपने स्वयं के पोर्टल पर उत्पादों को ऑनलाइन बेचती है। कंपनी के पास निकलोडियन, मार्वल, डिज्नी, पेप्पा पिग, डेल्टा, हाइप्रो जैसे प्रसिद्ध ब्रांड्स के लाइसेंस हैं। कंपनी अब ग्राहकों की बदलती जरूरतों के लिए एक विशिष्ट समाधान पेश कर रही है, जिसमें डिजाइनरों और कलाकारों को दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचने के लिए ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म विकसित करना, अपनी रचनाओं को साझा करना और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ अंतहीन संभावनाओं की पेशकश करने वाला एक एकीकृत मंच पेश करना शामिल है। वे व्यक्तिगत और कस्टमाइज्ड उत्पादों के लिए डिजाइन की बढ़ती लाइब्रेरी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो डिजाइनरों और ग्राहकों को जोड़ता है, जिसके माध्यम से ग्राहक ऑन डिमांड अनुकूलित उत्पादों का ऑर्डर कर सकते हैं और डिजाइनर सीधे ग्राहकों से मिल सकते हैं। कंपनी इस प्लेटफॉर्म पर एक विशेष शुल्क रखकर रेवेन्यू कमाती है। कंपनी के प्रोमोटर की बात करें तो वह एक युवा उद्यमी है जिन्होंने ICMA सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, UK से इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग में अनुस्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BSc भी किया है और IT उद्योग के सभी पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने लंदन, UK में मार्केट और ड्यूश बैंक जैसे निवेश बैंकों के साथ 5 साल तक काम किया। वो एक अनुभवी उद्यमी है और उन्होंने वर्षों में कई उद्यम स्थापित किए हैं और उन्हें निवेश बैंकिंग, खाद्य और पेय पदार्थ और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। वह उपभोक्ता उत्पादों और ई कॉमर्स उद्योग, विशेष रूप से प्रिंट ऑन डिमांड उत्पादों के बारे में बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उन्होंने अमूल्य अनुभव प्राप्त किया है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इश्यू सब्सक्रिप्शन के हेतु 29 सितंबर को खुलेगा और 4 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इश्यू में सब्सक्रिप्शन के लिए न्यूनतम राशि 1,23,600 है, जिसके लिए न्यूनतम 1,200 शेयरों का आवेदन करना होगा। कंपनी BSE SME प्लेटफॉर्म पर अपना IPO लेकर आ रही है। इंटरेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को इश्यू का लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। कंपनी 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले 64,59,600 शेयरों को 93 रुपए के प्रीमियम के साथ 103 रुपए प्रतिशत के भाव पर ऑफर कर रही है, जिसमें से 40 लाख शेयर फ्रेश इश्यू हैं और 24.59 लाख प्रमोटर्स व अन्य शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल हैं। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 41.20 करोड़ रुपए जितनी धनराशि जुटाने जा रही है और 25.33 करोड़ जितनी रकम प्रोमोटर व अन्य बिक्री करने वाले शेयरधारकों को ऑफर फॉर सेल के जरिए प्राप्त होगी। कुल इश्यू में से 63,600 शेयर खुदरा निवेशकों के लिए और 63,600 शेयर HNI निवेशकों के लिए आरक्षित हैं तथा 3,32,400 शेयर मार्केट मेकर के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इश्यू से पहले कंपनी की पेड अप कैपिटल 18.53 करोड़ है, जो इश्यू के बाद बढ़कर 22.53 करोड़ हो जाएगी। कुल रिजर्व जो फिलहाल 8.17 करोड़ है, इश्यू के बाद बढ़कर 45.37 करोड़ हो जाएगा। वर्तमान में प्रमोटर के पास कंपनी में लगभग 91.12% हिस्सेदारी है, जो कि इश्यू के बाद घटकर 65% हो जाएगी। इश्यू के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और प्लांट व मशीनरी के अधिग्रहण के साथ साथ सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। कुल संचित राशि में से 20.86 करोड़ का उपयोग कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के, 9.73 करोड़ प्लांट व मशीनरी के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा और 10 करोड़ जितनी राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने अपने बिक्री और मुनाफे में शानदार वृद्धि दर्ज की है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बिक्री 1.70 करोड़ से लगभग 10 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 10.49 करोड़ हो चुकी है। वित्त वर्ष 2022 में मुनाफा 7.50 गुना बढ़कर 7.5 लाख से 54.12 लाख हुई है। कंपनी के पास अपनी बुक्स पर इंटेंजिबल असेट्स का एक मजबूत सेट है।
डायल्यूटेड बेसिस पर कंपनी ने 0.30 की प्रति शेयर कमाई दर्ज की है। रोव 2.04% रहा है। 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बुक वैल्यू 14.46 पर है और पोस्ट आईपीओ एनएवी 31.02 होगा। कंपनी एक न्यू एज टेक एनेबल्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और एक विशिष्ट क्षेत्र में काम कर रही है। कस्टमाइज्ड सामानों की उपभोक्ता मांग में तेजी से वृद्धि और कंपनी के पास आर्टिस्ट का एक अच्छा सेट होने के कारण यह उन्हें अपने साथियों की तुलना में बाजार में बेहतर स्थिति में दिख रही है। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में अपने परिणामों में एक बड़ा आकर्षण दिखाया है और आने वाले वर्षों में इस प्रकार का आकर्षण जारी रखने की उम्मीद है। इस आईपीओ में लिस्टिंग लाभ के साथ साथ मध्यम से लंबी अवधि के निवेश उद्देश्य के लिए आवेदन करना उचित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के इश्यू या बाजार से जुड़ी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।